रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुंजन जो हमेशा अपनी ही दुनिया में बिजी रहती है, थोड़ी सी भी बात होती तो वो उस बात को लेकर हजार सपने सजा लिया करती, लेकिन हर बार उसके सपनों का महल टूट जाया करता। एक रोज गुंजन ऑनलाइन ड्रेस देख रही होती है और ऐप पर उसे नेवी ब्लू कलर की एक बहुत ही प्यारी ड्रेस पसंद आती है। वो तुरंत उस ड्रेस को ऑर्डर कर देती है और मन में सोचने लगती है, ये ड्रेस तो कितनी प्यारी लग रही है और मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मुझ पर तो ये और ज्यादा अच्छी लगेगी। हर कोई सिर्फ मुझे ही देखेगा, जल्दी से ये ड्रेस आ जाए बस। ओ महारानी, अपने सपनों के महल से बाहर आ जा और घर का काम कर ले। कितने सारे बर्तन रखे हैं धोने के लिए, अपने ये ख्याली पुलाव बाद में पका लियो, अभी जाकर काम कर। क्या माँ, मैं सपनों के महल नहीं बनाती, जो सच है वही सोचती हूँ। देखो ना माँ, मैंने ये ड्रेस ऑर्डर की है, कितनी प्यारी है। देखना, मैं इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगूंगी, सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। हाँ ठीक है, जा। गुंजन जाकर घर का काम करना शुरू कर देती है। शाम होते ही ड्रेस भी आ जाती है और गुंजन जैसे ही वो ड्रेस पहनती है, किसी चोकर से कम नहीं लगती। तभी उसकी माँ कहती है, मैं इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगूंगी, सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। जोकर जैसी लग रही है, पता नहीं क्या ऑर्डर कर लेती है। माँ बाप तो मेरा मजाक मत बनाओ, मैंने इस ड्रेस को लेकर ना जाने कितने सपने सजा लिए थे। कोई बात नहीं, दूसरी ड्रेस ले लियो, दूसरी ड्रेस में तो अच्छी ही लगेगी। मेरे सपनों पर पानी फिर गया, इस ड्रेस को तो पहनकर मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती। इस ड्रेस को पहनकर अगर कहीं गई तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। इतना कहकर गुंजन अपने कमरे में चली जाती है। शालिनी गुंजन की ऐसी बातें सुनकर उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो जाती है और मन में सोचने लगती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है, ये लड़की छोटी छोटी बातों को लेकर सपनों का महल क्यों बना लेती है, और उसके बाद जब वो सपना सच नहीं होता तो दुखी हो जाती है। यही सब सोचते हुए शालिनी गुंजन के लिए खाना लेकर जाती है और उसे खाना खिलाती है, तो गुंजन ठीक हो जाती है और अपना फोन यूज करने लगती है। तभी वो काफी सारे व्लॉग्स देखती है और उसके मन में आता है कि क्यों ना वो भी व्लॉग्स का चैनल खोले। मैं भी कल से व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूंगी, फिर मेरे पास भी पैसे ही पैसे होंगे, मेरी वीडियोस वायरल हो जाएंगी, मैं भी वायरल हो जाऊंगी और लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए मरेंगे। यही सब सोचते हुए गुंजन सो जाती और सुबह होते ही अपने भाई के कमरे से कैमरा और माइक चोरी करके ले आती है और किचन में पहुंच जाती है, जहां उसकी माँ खाना बना रही होती है। तभी गुंजन कहती है, सो व्हाट्स अप पीपल, आई एम गुंजन आहूजा एंड दिस इज माय ब्रांड न्यू व्लॉगिंग चैनल। तो हम आ गए हैं मेरी मम्मी के किचन में, जहां से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, तो चलते हैं जानने के लिए कि आज खाने में क्या बन रहा है। अब ये क्या नया झमेला शुरू कर दिया तूने, चली जाए यहाँ से, खाना बनाने के वक्त मुझे परेशान मत कर। माँ कभी तो चुप हो जाया करो, मैं व्लॉग बना रही हूँ, देखना मैं कितनी जल्दी फेमस हो जाऊंगी इससे। तुझे जो करना है किचन से बाहर जाकर कर, मुझे बहुत सारा काम है, यहाँ तू नहीं रह सकती। एक फेमस व्लॉगर बन गई ना, तो देखना मैं आपको अपने किसी भी व्लॉग में नहीं लूंगी। आज आप मुझे अपने साथ व्लॉग नहीं बनाने दे रही ना, मेरा फर्स्ट व्लॉग है ये। हाँ कोई बात नहीं, मुझे तेरे साथ कोई व्लॉग नहीं बनाना। इसके बावजूद गुंजन अपनी माँ को मनाने की काफी कोशिश करती है, तब जाकर शालिनी गुंजन के साथ व्लॉग बनाने के लिए मानती है और इस तरह गुंजन अपना पहला व्लॉग बनाती है, वीडियो पोस्ट करती है। एक घंटे के अंदर ही उसकी वीडियो पर 1K व्यूज भी आ जाते हैं। ये देखकर गुंजन अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ देखो एक घंटे के अंदर ही इतने व्यूज हो गए, मैं जल्दी ही फेमस हो जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने भी बहुत सारे ब्लॉगरों को देखा है, उनकी वीडियो पर मिलियन व्यूज जाते हैं। जब मैं फेमस ब्लॉगर बन जाऊंगी ना, उसके बाद आईफोन लूंगी और बहुत अच्छी कार भी, और सब मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए आएंगे। मैं तो सोने की ज्वेलरी खरीदूंगी, सोना ही सोना पहन लूंगी फिर। ऐसे ही बड़े बड़े सपने गुंजन और उसकी माँ भी देखने लगते हैं और ऐसे ही सपनों का महल खड़ा कर देते हैं। लेकिन गुंजन का व्लॉग का चैनल आगे जाकर नहीं चलता और उसकी किसी भी वीडियो पर ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, और कुछ दिन बाद ही गुंजन व्लॉग बनाना छोड़ देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने तो सपनों का महल ही बना लिया था,
लेकिन अब तो व्यूज ही नहीं आ रहे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, हमने तो कितने अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए थे। व्लॉग के चक्कर में तो तूने अपनी इतनी महंगी ड्रेस भी काट दी थी, व्लॉग बनाने के चक्कर में कितना टाइम और पैसा बर्बाद हो गया हमारा। मैंने तो इतनी सारी ड्रेसेस सिलेक्ट करके रख ली थी, पैसे आते ही ये कपड़े खरीदने हैं। खैर कोई बात नहीं, क्या पता हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा भगवान ने हमारे लिए सोच रखा हो। इस तरह दोनों माँ बेटी आपस में बात करती हैं। तभी एक कॉल आता है और शालिनी को पता चलता है कि गुंजन को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले हैं। तभी शालिनी गुंजन से कहती है, ये तेरी बुआ भी ना हर बात लास्ट टाइम पर ही बताती है। क्यों, क्या हो गया? अब क्या कर दिया मेरी प्यारी बुआ ने? आप तो बस हर बात पर उनसे नाराज होती रहती हो। तुझे कल देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और अब बता रही है मुझे। शुक्र है कल आकर नहीं बोला कि मैं बताना भूल गई कि गुंजन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कल मेरे पास तो कोई ढंग का सूट भी नहीं है, बुआ ने ये क्या किया, अब क्या करूँ मैं? चुप हो जा, बाजार चलते हैं, मैं सामान ले लूंगी, तू अपने लिए कोई सूट पसंद कर लियो। इतना कहकर शालिनी और गुंजन बाजार चले जाते हैं। दोनों खरीदारी करके घर आते हैं और रात गुजरती है। सुबह का समय होता है, शालिनी तैयारी में लगी होती है, वहीं गुंजन कमरे में तैयार हो रही थी। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं। शालिनी लड़के वालों की खातिरदारी करना शुरू कर देती है। तभी लड़के की माँ चित्रा कहती है, नाश्ता वगैरह तो होता ही रहेगा, आप अपनी लड़की को बुला दीजिए, उसे देख लेंगे और जो भी हमें पूछना है वो भी पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, मैं भी गुंजन को बुला कर लाती हूँ। तभी शालिनी गुंजन को बुला लेती है। गुंजन को लड़का बहुत पसंद आता है और वो अपने मन में शादी के सपने देखने लगती है। चित्रा और गुंजन आपस में बातें करती हैं। गुंजन लड़के से भी बात करती है। काफी देर बाद शालिनी कहती है, लड़का और लड़की ने आपस में बात कर ही ली है, अब आपके तरफ से हाँ है तो बात आगे बढ़ा देते हैं और शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। बहन जी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पहली बार मिले हैं, शादी की डेट फिक्स कर लेंगे, अभी तो हम चलते हैं, मैं घर पहुंचकर आपको बता दूंगी हमारा फैसला। इतना कहकर चित्रा और उसका बेटा घर चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही गुंजन कहती है, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया, मुझे ये भी पता है कि उस लड़के की भी हाँ ही होगी, जब मुझे वो पसंद आ गया तो उसे भी तो मैं पसंद आ ही जाऊंगी। हर बात पर अपने सपनों का महल क्यों खड़ा कर लेती है, उनका जवाब आ जाने दे तब कुछ सोचना शुरू करना। लेकिन गुंजन कहाँ अपनी माँ की बातें मानने वाली थी, वो तो अपने सपनों का महल खड़ा ही कर लेती है और शादी तक के बारे में सोच लेती है। यहाँ तक कि शादी का जोड़ा भी देखने लगती है, शादी में किस किस को बुलाना है किसको नहीं, ये सारी चीजें गुंजन सोचना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद चित्रा का फोन आता है, आपकी बेटी है तो बहुत सुंदर और इसमें गुण भी बहुत है, लेकिन हमारे बेटे के पसंद की लड़की नहीं है वो, तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये बात शालिनी गुंजन को बताती है तो ये सुनते ही गुंजन का दिल टूट जाता है और वो अपने सपनों का महल बनाना छोड़ देती है। सुबह के 11 बजे वसुधा हॉल में बैठी हुई अपनी बेटी सुहानी को आवाज लगा कर कहती है, सुहानी, अरे सुहानी कहाँ है तू, जरा मेरी दवाइयाँ तो ले आ कमरे से। सुहानी सुन रही है? हाँ हूँ ही, कर दे। सासू माँ बस करो, क्यों सुहानी सुहानी चिल्ला रही हो? अरे जिसका नाम चिल्ला रही हूँ उसकी तो आवाज़ आई नहीं और तू बिन बुलाई यहाँ चली आई। ऐसा है सासू माँ, अब चिल्लाना तो छोड़ो, भोपू लेकर भी अपनी लाडली को बुलाओगी ना तो भी वो नहीं सुनने वाली, महारानी चादर ताने खराटे जो ले रही है। सो रही है? अरे रात में क्या जागरण कर रही थी जो दिन में सो रही है? मैं क्या जानू सासू माँ कि रात को वो अपने कमरे में जगराता करती है या कीर्तन। तू तो बस उल्टा ही जवाब दियो, क्या पता बेचारी रात भर पढ़ रही हो, सोने दे उसे। क्या सासू माँ, जो पूरे दिन किताबों को हाथ नहीं लगाती वो पढ़कर रात क्यों खाली करेगी? भले ही एक महीना हुआ है इस घर में आए हुए मुझे, लेकिन एक बात तो पक्की तरह से कह सकती हूँ कि पढ़ने वाले लक्षण नहीं है आपकी लाडली के। अच्छा तो हाय दया, कहीं बीमार बीमार तो नहीं हो गई मेरी बच्ची? मैं भी क्या यहाँ बैठकर अंदाजे लगा रही हूँ, जाकर देख लेती हूँ एक बार। बहू तू मेरी दवाई लेकर सुहानी के कमरे में आ जा। अरे पर दवाई कमरे में रखी कहाँ है, वो तो बताती जाओ। वसुधा नंदिता की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है तो नंदिता भी उसके पीछे सुहानी के कमरे में पहुँचती है तो दोनों देखते हैं कि सुहानी कमरे में जोर जोर से खर्राटे लेकर चैन की नींद सो रही है।
तभी वसुधा उसे आवाज लगाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब फिर भी सुहानी नहीं जागती तो नंदिता टेबल पर पड़े जग का पानी उस पर डाल देती है और सुहानी झटके से उठकर कहती है, बारिश बारिश मम्मी बारिश आ गई, झट टपक रही है क्या? देखा सासुमा, बेवक्त सोने वालों को ऐसे ही जगाया जाता है। क्या आप भी आवाज लगाकर अपने गले को कष्ट दे रही थी? भाभी ये पानी आपने फेंका, आप पागल हो क्या? पता है कितनी गहरी नींद में थी मैं। अरे उसे छोड़ और मुझसे बात कर, ये दिन में सोने का कौन सा समय है? तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? ओहो माँ, ये बात जानने के लिए मुझे सोती हुई को जगा दिया। तो सुनो, रात को मैं नया के ड्रामा देखने बैठी थी, पूरी सीरीज देखते देखते कब सुबह के 7 बज गए मालूम ही नहीं पड़ा, इसीलिए मैं सो रही हूँ। अभी आप लोग निकलो यहाँ से। बताओ देख लिया सासुमा, पूरी रात जगकर ड्रामे देखे जा रहे हैं, अब रात की नींद अब पूरी हो रही है इनकी। अरे भाभी जाओ ना माँ को लेकर, नींद पूरी करने दो यार। अरे पर तभी सुहानी दोनों को धक्का देते हुए कमरे से बाहर कर दरवाजा बंद कर देती है और सोते सोते सीधा शाम की चाय के समय जागती है, फिर तैयार होकर बाहर जाने लगती है तो उसकी भाभी उसे टोकते हुए कहती है, अरे रुको रुको, कहाँ जाने के लिए निकली जा रही हो? शाम के 5 बज गए हैं। अच्छा है आपने पूछ लिया, माँ को कह देना मैं 9-10 बजे तक घर आ जाऊंगी, आज मेरी फ्रेंड्स ने नाइट पार्टी का प्लान किया है। अरे पर चाय तो पीती जाओ। भाभी आप ही पियो, मैं चली। सुहानी चली जाती है। शाम को खाना खाने के बाद तीनों 11 बजे तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन सुहानी नहीं लौटती तो कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड का कॉल समर के नंबर पर आता है। कॉल कट होते ही वो कहता है, सोने चलो, सुहानी की दोस्त कह रही थी कि सभी दोस्त काफी दिनों बाद मिले हैं तो मिलकर नाइट आउट करेंगे। लो नाइट पार्टी अभी नाइट आउट में बदल गई और हम यहाँ उल्लू की तरह जाकर उसका इंतजार कर रहे हैं। सासुमा सासुमा, अरे खड़े खड़े सो रही हो क्या? हाय दया, मेरी तो आंख ही लग गई, मैं कमरे में चली अपने। तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुहानी जब घर आती है तो फिर पूरी रात जागने के कारण वो पूरा दिन सोती है। समय बीतता है, अब सुहानी दिन में हमेशा सोई रहा करती। एक रोज राशन लाने के लिए नंदिता अपनी सास को साथ चलने को कहती है तो वसुधा अपना घुटना पकड़ कर बोलती है, अरे मुझसे नहीं चला जाएगा, सुहानी को ले जा अपने साथ। सासुमा मैं तो ले चलूं, लेकिन साथ में उनका पलंग भी तो ले जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी ननद को तो दिन में ही सोने की आदत है। नंदिता बोल ही रही थी कि तभी नींद में चलती हुई सुहानी बाहर आकर सोफे पर लेट कर कहती है, मोरी मैया मैं क्या करूँ इस लड़की का। अरे सुहानी उठ जा, अपनी भाभी के साथ जरा दुकान चली जा, राशन का सामान लाना है। मैं नींद में हूँ माँ, सोने दो। अरे तो कमरे में पड़ी रहती, यहाँ आकर क्यों पसर गई? ऐसी काम नहीं कर रहा वहाँ का। हाँ तो उठ जाओ ना, अभी सो रही हो, फिर रात में इन्हें नींद नहीं आएगी। सासुमा पंखा बंद करो, आज मैं अपनी ननद को दिन में सोने ही नहीं दूंगी। वसुधा तुरंत उठकर पंखा बंद कर देती है और नंदिता सुहानी को झकझोरते हुए जगाने लगती है तो गुस्से में सुहानी उठकर जोर से अपनी भाभी का हाथ झटक देती है और वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। तभी समर घर आता है और नंदिता को उठाने में मदद करता है। तुम ऐसे जमीन पर क्यों गिरी थी? गिरी कहाँ थी, वो तो मैं सोच रही थी लेट के पोछा लगा लूं। अरे तुम्हारी बहन ने धक्का दिया है इसलिए गिर गई। हाथ दिया धक्का और मुझे सोने के वक्त परेशान करोगी ना तो ऐसे ही धक्के खाओगी। सुहानी हो क्या गया है तुझे, दिन के 2 बज रहे हैं, इस वक्त लोग काम करते हैं, आराम नहीं, ये दिन में सोने की क्या बीमारी लगी है तुझे? क्या भैया आप भी माँ और भाभी कम थे क्या जो आप भी इनका साथ देने लगे? अब नींद आएगी तो सोऊंगी ना। ये लड़की पगला गई है, भगवान ही मालिक है इसका, पढ़े रहने दे इसे ऐसे ही। समय बीतता है, सुहानी की दिन में सोने की आदत नहीं जाती, जिससे परेशान होकर उसकी भाभी और माँ उसे दिन में ना सोने देने के लिए हॉल में बड़े बड़े स्पीकर लगाकर जोर जोर से गाने बजाकर नाचना शुरू कर देते हैं। तेज आवाज से परेशान होकर सुहानी जाग जाती है और गुस्से में हॉल में आकर गाना बंद करके चिल्लाते हुए कहती है, अरे किसकी बारात में मटकने की प्रैक्टिस की जा रही है, ये कोई समय है गाना बजाना करने का? लो बताओ समय की बात कौन कर रहा है, जिसे रात को छोड़कर दिन में सोना होता है ऐसा है ननद जी, नाचने का कोई समय नहीं होता,
हम तो नाचेंगे, वो भी फुल वॉल्यूम में गाने बजा कर। ओहो छोड़ बहू, तू गाना बजा, मैं तो सोच रही हूँ पड़ोसनों को भी बुला ले। हाँ हाँ मोहल्ला क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते, बिना बात का जलसा चल रहा है यहाँ। तभी सुहानी जाते हुए चुपके से टेबल से कैची लेकर स्पीकर की वायर काट डालती है और वापस सोने चली जाती है। अब नैना तो चालाक लेकिन भाभी महाचालाक। नंदिता ढोल मंजीरा लेकर मंदिर में बैठ जाती है और जोर जोर से कीर्तन शुरू करती है। सुहानी फिर जाकर कहती है, क्यों भगवान को बेवक्त ये ढोल मंजीरा बजाकर फटीचर सी आवाज में याद कर रहे हो आप? बोलो अम्बे मात की जय। सासू माँ अपनी लाडली को कुछ बताओ कि भक्ति करने का कोई समय नहीं होता, किंतु प्रकृति ने सोने के लिए रात और काम करने के लिए दिन का समय निर्धारित किया है। तो नना जी से कह दीजिए कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर दिन में सोना उचित नहीं। तू तो रामायण काल में चली गई बहू, पर तेरी भाभी ने जो कहा ठीक कहा सुहानी। पर हमको क्या, तुझे मानना है मान, नहीं मानना तो मत मान। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। यार इस ढोलक मजीरा में तो वायर भी नहीं लगा होता, उफ। बेचारी सुहानी उस दिन सो नहीं पाती, जिसके कारण रात को उसे खाना खाते ही नींद आ जाती है और 10 बजे के करीब वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसे सोता देखकर उसके परिवार वाले कहते हैं, चलो आज समय पर रात में सोई तो ये लड़की। सही है, अब ननद जी का कम से कम दिन में सोना तो छूटेगा। सही कहा तूने बहू, सही दिमाग लगाकर आज दिन में इसे सोने नहीं दिया। इस तरह नंदिता अपनी दिन में सोने वाली ननद को लाइन पर ले आती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।